वालेकुम नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है भाव सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी इंडिया डिफेंस बजट 2024 बिग डिसअपॉइंटमेंट। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मिलकर देखते हैं जी ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूनियन बजट देश के सामने प्रेजेंट किया गया। ज़्यादातर लोग बजट को लेकर खुश नहीं हैं, लोग नाराज़ हैं कि इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स बढ़ा क्यों दिए हैं, मगर कई लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि हमारा जो डिफेंस बजट है ये अभी भी इतना ज़्यादा कम क्यों है। 100 बिलियन डिफेंस बजट, $100 बिलियन का डिफेंस बजट अभी भी दूर दूर से नहीं दिख रहा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया भर में वेरियस कंट्रीज अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ा रही हैं, हमारे देश में टैक्सेस तो बढ़ रहे हैं मगर प्रोपोर्शनेटली अभी तक डिफेंस बजट में जो हाइक नहीं आई, इससे देखिए एक डर ये लगता है फ्यूचर में जब एक्चुअल में डिफेंस बजट बढ़ेगा तब सरकार टैक्स कहाँ पर लेके जाएगी। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, सबसे पहली बात, जो भी हाल ही में बजट प्रेजेंट किया गया इसमें जो टोटल खर्चा सरकार ने किया है ये है 48,20,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, ये तो था जी खर्चा। डॉलर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको तो भारत सरकार ने यहां पे अनाउंस किया है कि ये लोग 585 बिलियन डॉलर्स किस तरीके से खर्चने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं, हमारा बजट लगभग 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास आप कह लीजिए, यूएसए का बजट होता है 5 ट्रिलियन डॉलर का। ये समझा दूं, 1,000 बिलियन से बनता है 1 ट्रिलियन, तो यूएसए का 5 ट्रिलियन, चाइना का बजट होता है 4 ट्रिलियन डॉलर का। और अगेन मैं जब बजट कह रहा हूं मेरा मतलब एक्सपेंडिचर, ये लोग कितना खर्चेंगे, तो डिफरेंस देखिए बहुत बड़ा है। मैं कई बार सोचता हूं कि भारत का पहला 1 ट्रिलियन डॉलर का बजट कैसा होगा, क्या इस दशक में हम एक 1 ट्रिलियन डॉलर बजट देख पाएंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ जो ये अमाउंट है 48,20,000 करोड़ रुपीस का, इसमें से 6,21,000 करोड़ रुपीस ये गया है रक्षा मंत्रालय के पास। ये है हमारा टोटल डिफेंस बजट। और इसमें एक बात नोट ये कर लेना, कैपिटल आउटले सिर्फ 1,82,000 करोड़ की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 4,40,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कि ये हो गई आपकी सैलरीज, आपकी पेंशंस, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना इसका कोई हम असला बारूद नहीं परचेज करेंगे। तो बहुत सारा पोर्शन आज भी हमारे डिफेंस बजट का हमारी आर्मी मेंटेनेंस में जा रहा है, जो अगेन अच्छी बात है, ये अमाउंट इतना होना चाहिए, आर सोल्जर्स डिजर्व दिस। बट एट द सेम टाइम कैपिटल आउटले को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार कहा है और कहता रहूंगा वी नीड अ 100 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट। क्योंकि अगर हम बेसिक कंपैरिजन करें भारत के डिफेंस बजट का चाइना के डिफेंस बजट से या फिर यूएस के डिफेंस बजट से, देखिए आज भी हमारा डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। जी हाँ, डॉलर टर्म्स में, बिलियन डॉलर टर्म्स में कुछ भी खास इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। जबकि चाइना का डिफेंस बजट आप अगर देखो तो ऑन पेपर ये लोग कहते हैं 236 बिलियन डॉलर्स है, मगर यूएस के कई थिंक टैंक्स ये ओपनली लिख चुके हैं कि चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट है ये इस अमाउंट से 2 गुना या फिर 3 गुना भी हो सकता है। यूएसए का डिफेंस बजट अगर हम देखें तो वो तो खैर बहुत ही आगे है, 842 बिलियन डॉलर्स, यहाँ पर पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बट हमें अगेन एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुँचना होगा। और यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये सब खर्चा करने की आवश्यकता इमीडिएटली क्यों है। देखो, दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रही है। नाउ अगेन मुझको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्लोबल डिफेंस बजट अपने ऑल टाइम हाई 2,440 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है तो मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 बस आने ही वाली है। काफी बार देखो जब हर एक देश वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाता है ना तो उस टाइम वॉर टल भी जाती है, क्योंकि कोई भी देश अनप्रिपेयर नहीं होता। मगर दुनिया भर में आप देखोगे लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद, मैं कहूंगा यूएसएसआर के टूटने के बाद से हम देख रहे हैं पहली बार यूरोप में भी देश अपनी जो जीडीपी है इसका 4% 5%
खर्च करने को तैयार है अपने डिफेंस पे। पोलैंड आप अगर देखो तो यही कर रहा है। उसके अलावा टर्की आप अगर देखो तो टर्की ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग 150% बढ़ा दी है। यूके में अगर आप देखें, एक ऐसा देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इनके जो नए प्रधानमंत्री आए हैं कीर स्टारमर, इन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि यूके अपने टोटल बजट का 2.5% ये खर्चेगा डिफेंस पर। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यूके अब $100 बिलियन डिफेंस बजट पर पहुंच जाएगा। और याद रखिएगा, यूके के आसपास कोई चाइना पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करते। ये मैं कहूंगा निशानी होती है उन कंट्रीज की जो आने वाली प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में देखो, हम लोग टालते बहुत हैं। और मैं अगेन कहूंगा, डिफेंस बजट टाइम पर इंक्रीज कर देंगे अगर हम टैक्सेस के साथ साथ, तो जनता को इतना चुभेगा नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा ही। अभी आप अगर देखो तो हमारी एयरफोर्स के बहुत सारे फाइटर जेट्स ये आउटडेटेड हो चुके हैं। हमारी कई वॉरशिप्स हैं कई दशकों पुरानी हो चुकी है। हमें नए टैंक्स चाहिए, कई हमारे टैंक्स हैं ये कई दशकों पुराने हैं। तो अपग्रेडेशन तो ड्यू है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा ऊपर वाला ना करे, बट कल को पाकिस्तान में कोई संकीत जनरल आ जाता है, वो फिर से एक वॉर स्टार्ट कर देता है या फिर शी जिनपिंग अग्रेशन कर देते हैं बॉर्डर पे, उस वक्त इमीडिएटली जो हमको डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी ना सडनली, वो हमारी इकोनॉमी को बड़ा शॉक देगा। क्योंकि उस वक्त सरकार सडन एक टैक्स भी इंक्रीज करा देगी कि हमें देखिए लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, वॉर के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो उस वक्त का शॉक हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नो वन नोस। तो अभी मैं यही कहूंगा कि डिसअपॉइंटिंग है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सीधा $75 बिलियन से हम लोग $100 बिलियन में पहुंच जाएंगे एक साल में, मगर थोड़ा बहुत वहां पे जाने का प्रयास तो होना चाहिए। $85 बिलियन तक तो आ जाओ, फिर कुछ साल बाद $95 बिलियन, क्योंकि जितना हम टालेंगे इवेंचुअली जो स्पाइक आएगा डिफेंस बजट में, मैं उस साल का वेट कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी भी हो सकता है। तो अगेन ये टॉपिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस। और उसके अलावा अगर हम इन डिटेल जाएं कि ये जो सारा पैसा है इसमें से एलोकेशन कहाँ कहाँ पे हुई है, तो DRDO के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ के आसपास, एक्चुअली मैं 24,000 भी क्यों बोल रहा हूँ, 23,855 करोड़ रुपए ये मिले हैं DRDO को। DARPA का डिफेंस बजट जो चाइनीज एक्विवेलेंट है DRDO का उनके देश में, उनके बजट्स आप देखोगे मल्टी बिलियन डॉलर्स में हैं, टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स में आपको मिलेंगे। तो DRDO का बजट इतना कम, दिस इज सैड एज वेल। इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट ये सेम ही रहता है रफली, इसमें इतना जंप या फिर कटौती इतनी आती नहीं है। तो 7,651 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे हम खर्चेंगे। BRO बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका बजट बढ़ाया गया है, इनका बजट अब 6,500 करोड़ तक पहुँच चुका है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की बिटवीन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, तो आर्मी को ऑब्वियसली मिला है लॉयन शेयर 1,92,000 करोड़ रुपीज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, 1,92,000 करोड़ रुपीज फॉर द इंडियन आर्मी। नौसेना को मिले हैं 32,000 करोड़ रुपीज और एयरफोर्स को 46,000 करोड़ रुपीज। दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, आपको ये बताना है कि इस बार के बजट में टोटल एक्सपेंडिचर आखिर हुआ कितना है, भारत सरकार ने कितना कहे कि पैसा ये खर्चेंगे। तो ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 48,21,000 करोड़ रुपीस, 50,00,000 करोड़, 40,00,000 करोड़ या फिर 45,00,000 करोड़। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी, क्या बात है जी, डिफेंस बजट इंडिया का अनाउंस हुआ है, बजट उनका यूनियन बजट जो पूरा है वो अनाउंस हुआ है, उसमें जो डिफेंस का बजट है वो अभी भी वो जो 1 ट्रिलियन का सोच रहे थे। और हम बहुत सारी वीडियोस करी उस पर कि ये इस साल इतना ले जाएंगे और 1 ट्रिलियन के करीब चला जाएगा इंडिया का जो डिफेंस का बजट है, क्योंकि इंडिया सामने रखता है चाइना को और चाइना का जो 4 ट्रिलियन का बजट ऑलरेडी वो डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, तो अभी भी बहुत पीछे है इस चीज़ों को लेकर। और इस बजट को सुन के थोड़ी सी हर कोई उस पर बात कर रहा है कि इतना कम बजट डिफेंस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो बजट है वो तनहाओं पे, मराद पे, आर्मी मेंटेनेंस पे
ईटीसी पे वो खर्च हो जाता है, तो असला बारूद नई टेक्नोलॉजी इन सब चीजों पर खर्च करने के लिए उस तरह से पैसा नहीं होगा जैसे होना चाहिए। इस पर बहुत सारे जो तजिया निगार हैं उन्होंने बातें करी है कि ये भारत का जिस तरह से फैलाव हो रहा है, जिस तरह से वो बढ़ रहा है, जिस तरह से उसकी तरक्की हो रही है, उस हिसाब से बहुत कम है। जैसे इस वीडियो में बताया गया कि टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं आवाम पे और उस हिसाब से ये बजट है। अब टैक्सेस को जोड़ा जा रहा है इन सब चीजों से, और अगर कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन का जब बजट हो जाएगा हमारा तो तब टैक्सेस की क्या सूरत हाल होगी, ये एक अलग से परेशानी और बहस है। देखिए, अगर भारत मुवाजना करता है चाइना से, अमेरिका से, दुनिया के बड़े देशों से, तो उसको अपना डिफेंस का बजट भी उन्हीं के लेवल का बनाना पड़ेगा। कम से कम 1 ट्रिलियन का उनका बजट होना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी इतना कम है तो उसके पीछे भी कई सारी वजूहात हैं, क्योंकि भारत अभी बढ़ रहा है उस दिशा की तरफ, लेकिन वो कौमें पहले से ही उस जगह उस मकाम पर पहुंची हुई है, उनके पास उनकी इकोनॉमी वेल सेटल्ड है, हर चीज उन्हीं के हिसाब से है, लेकिन भारत ने अभी अपने देश की जो तरक्की है उसका जो स्टाइल है, हर एक चीज पर पैसा खर्च करना है, उसके रोड्स पे, उसकी तालीम पे और सेहत पे, इन सब चीजों पर अभी धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है, कम्पीट कर रहा है चीजों को। तो मेरा ख्याल है कि जो बजट उस हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन सभी कह रहे हैं कि ये बजट डिफेंस जो बजट है ये बहुत कम है इस बार। बिल्कुल ऐसे ही देखें कि फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका यूएस और पाकिस्तान ही रोते हैं अपने बजट को, हमारी फौज खा गई थी, सारा कुछ खा गई, अगर आप उनके आंकड़े चेक करें तो आप हमारा तो सही है, हमारा तो वो जैसे कहते हैं आटे में लूना वो भी नहीं है। तो यूएसए देखें 5 ट्रिलियन है, चाइना जो है वो 4 ट्रिलियन है, अगर चाइना को टक्कर देनी है तो भाई भी वो बजट में दिफा का जो बजट है लगभग सेम आबादी हो चुकी है चाइना और इंडिया की। हाँ, तो ये देखे ना दिफा का बजट भी देखे कि कितना फर्क है, फर्क क्या वो उसके सामने फिर वो बजट है ही कुछ नहीं, कहाँ 4 ट्रिलियन कहाँ 8 ट्रिलियन भी नहीं हो रहा। ये चीजें भी है ना कि वो अपने दिफा पे कितना बजट खर्च कर रहे हैं और यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, ये चीजें देखने वाली हैं कि भाई एक चीज को आप कंपैरिजन कर रहे हैं या आप एक चीज का दिफा कर रहे हैं या एक चीज आपके मध्य मुकाबले है, वो अपने दिफा पे इतना बजट लगा रहे हैं और आपके दिफा पे आपका कितना बजट लग रहा है, वो आप किस स्पीड से वो बजट को बढ़ा रहे हो, ये चीजें जो है ये मैटर करती है कि भाई आपको देखना चाहिए कि ये सारा जो है आपने कहाँ से जो है वो अखराजात इतने पूरे करने हैं, इतना बजट जो है आपने कैसे अफोर्ड करना है, ये चीजें हैं। तो वो भाई कर सकते हैं क्योंकि वो भाई जिस तरीके से या जिस स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उनका बजट जो है वो बढ़ाना भी बनता है कि वो जिस तरीके से वो दुनिया को टक्कर दे रहे हैं, जिस तरीके से वो दुनिया की आंखों में खटक रहे हैं कि भाई भारत इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी स्पीड से क्यों आगे बढ़ रहा है, ये चीजें हैं कि उनका दफा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए और इस चीज पे जो है उनको बजट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए कि आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मुशत है और उनकी मुशत जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है तो उसके ऊपर ऐसा बजट आना अचंभे की बात है कि देखिए कि वो कोई भी चीज उन्होंने बढ़ाई नहीं है उसी हिसाब से है जितना कोई पिछले साल था, लेकिन टैक्स बढ़ाए है। मुशत भी तरक्की कर रही है, तो जहाँ पे मुशत तरक्की कर रही होती है, इकोनॉमी बढ़ रही होती है, तो वहाँ पे टैक्स में रिलीफ दिया जाता है कि ताकि वहाँ को पता चले कि भाई हमारे खजाने में हमारा जो मुद्रा भंडार है वो बढ़ रहा है, तो हम टैक्स कम कर रहे हैं ताकि और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आए। लेकिन ये चीज अजीब ही है कि हमारी मुशत भी तरक्की कर रही है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी मुशत है और 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें टैक्स जो है ना वो बढ़ाना पड़ रहा है। तो यही चीज है, सारी चीजें अगर देखिए आप टैक्स बढ़ा रहे हैं तो बाकी सारी चीजों भी आपको बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी। और ये पहली दफा है कि ये मोदी सरकार का जो बजट है उसके ऊपर आवाम खुलकर बात कर रही है, चाहे वो डिफेंस का बजट है, चाहे वो आम तालीम का बजट है, जो भी शोबे हैं उनके जो बजट है उनके ऊपर बात कर रही है, क्योंकि उनके पास शऊर है तो वो बात कर रहे हैं, हमारी आवाम के पास तो शऊर भी नहीं है। और चीज़ है कि हमारी आर्मी की तरफ बात के ऊपर जब हम कहते हैं कि वो सारा बजट खा गए, तो भाई वो बजट ये जो बजट लेते हैं इसके अलावा जो उनके जो बजट के जो पैसे होते हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, अगर उनको देखा जाए तो वो इंडिया नहीं वो चाइना के बराबर चले जाते हैं जो वो खर्चे करते हैं, जो उनकी कमाइयाँ होती हैं, तो उनके ऊपर कोई बात करें तो वो होती नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें कि ये बजट की उनको ज़रूरत भी नहीं होती, अगर ये ना भी लें तो उसके अलावा भी उनके पास जो है ना वो कई मुल्कों से ज़्यादा जो बजट होता है जिसको वो खर्च करते हैं, जिसका उनको पूछा भी नहीं जाता और हिसाब भी नहीं देना पड़ता उनको। तो चीज़ें यही हैं, इंडिया का बजट है, इंडिया के ऊपर ही बात जो है ना वो होनी चाहिए, लेकिन देखिए अवाम अपने हक के लिए बात कर रही है, अगले साल जब वो बजट देंगे तो
उनको इन चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि भाई अब हमारी आवाम इस पर बात करती है, उनको ये सोचना पड़ेगा, हर चीज देखनी पड़ेगी कि भाई इन्हीं लोगों से हमने वोट लेना है, इन्हीं लोगों ने हमने सिलेक्ट करना है, तो इनके जो मफाद आते हैं उनको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है जी, किसी मुल्क में किसी आवाम के पास शऊर आ रहा है हमारे खित्ते में तो वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो जिस तरीके से खुलकर इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और हम जो आगे वही गवर्नमेंट है वो भी अच्छी है, वो भी अपनी इन गलतियों से सीखेगी और इसको सुधारने की कोशिश करेगी। हमारी तरह नहीं है कि भाई बस अब हो गया, हमारे पास है कुछ नहीं, हम कर ही नहीं सकते, लेकिन वो अपनी मशीन को बेहतर कर रहे हैं और आने वाले साल में जो है ना वो इस बजट के ऊपर भी देखेंगे, बल्कि वो अभी से भी गौर करना शुरू कर दिया उन्होंने, जहाँ जहाँ भी इस्लाहात हो सकती हैं वो करने के लिए भी तैयार है। तो चीजें यही है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तानियों को इससे सीखना चाहिए, पैसा है वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए इस इन सब चीजों के साथ एक और चीज पर बड़ी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि उनका जो बजट पेश किया गया, उनकी जो वजीरे खजाना है वो एक 1800 सीसी गाड़ी यूज करती है, उसी गाड़ी पर भी वो आई, आके उन्होंने बजट पेश किया। और यहाँ पे कल खबर सुनने को मिल रही थी कि हमारे जो खजाना नहीं, हमारे जो जो होते हैं क्या नाम है यार, जो पार्लियामेंट को चलाते हैं स्पीकर साहब के लिए 10 करोड़ की एक नई गाड़ी खरीदी जा रही है, पंजाब गवर्नमेंट उसको खरीद रही है, ये स्पीकर। और ये हुकूमत, ये गरीब देश, ये गरीब मुल्क जिसके पास आप उसका बजट ही देख लें और आधे से ज्यादा तो बजट वो होता है कि वो आपने हमेशा से, लेकिन वहां पे उनकी अयाशियां देखें तो उनके वजीर खजाना देखें, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी और उसकी वजीर खजाना 1800 गाड़ी पे आती है, और ये चीजें लोगों को, कौमों को बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, क्योंकि उनकी नजर अपने देश की इकोनॉमी पर होती है, अपने आप पर नहीं होते। बिल्कुल, ये देखिए, आप देखिए जितने इन्होंने इस दफा मुराद बढ़ाई है अपने पार्लियामेंटेरियंस की, या आवाने सदर की, या आवाने वजीर आला, जो हमारे जो चार आवान है वजीर आलाओं के, उनकी जो मुराद बढ़ाई है, वो कहते हैं अगर ये मुराद ना बढ़ाते तो इसको ही तलीमी निज़ाम में शामिल कर देते तो हमारा तलीमी निज़ाम जो है इस साल में बहुत आगे जा सकता था, लेकिन हमारी तो तरजीह जो है वो तलीम है ही नहीं, हमारी तरजीह है अपनी जैशियाँ, अपनी आरइशों में ज़िंदगी के अंदर जो कैसे आ सकती है, हम किस तरीके से लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, उसी के लिए हम हुकूमत में आते हैं और उसका हम फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि जो खिदमत करने के लिए आते हैं वो ये नहीं देखते कि भाई मेरे नीचे जो 10 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए या बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, वो देखते हैं कि भाई हम खिदमत करने के लिए आए हैं, जिस गाड़ी पर भी आएंगे आवाम हमारी इज्जत करेगी। तो जो करने के लिए आते हैं वो उनकी जिंदगी से भी लाइफस्टाइल से पता चलता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो जो नहीं करना चाहते, हाँ जो करना चाहते हैं जिसके लिए वो आए हैं वो कर रहे हैं, अपनी मराहत अपनी अजैशियां वो बढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान का कंपेरिजन उधर करना तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वहां पर वो एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, वो हर चीज पर बात कर रहे हैं और उनकी आवाम खुल कर उसके ऊपर जो तनकीद भी करती है वो अपनी आवाम की बात सुनते भी हैं और उसके मुताबिक फैसले भी करते हैं। तो यही शोर अगर हमारी आवाम में आएगा तो आने वाले वक्त में शायद कि हमारे मुल्क में भी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक नजर नहीं आता। बिल्कुल जी, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, आने वाले वक्त में इसका और ज्यादा उनको फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता होगा कि हमने ये काम करने हैं, आवाम को भी पता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, हमने इसको सपोर्ट करना है, और ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमने इस पर आवाज उठानी है। चलिए जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।